दादी मम्मा वापस आ गई। मम्मा दरवाजा खोलो, मम्मा आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए। मैंने आपको कितना मिस किया, प्लीज बाहर आओ ना, मुझे आपको हग करना है। पियू बेटा आप अपने कमरे में जाओ, मम्मा वहाँ आ जाएगी 5 मिनट्स। नहीं आप बाहर आओ ना, मुझे आपको हग करना है मम्मा प्लीज। पीहू पीहू मम्मा आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए और एक फोन भी नहीं किया। मैंने आपको कितना मिस किया आपको पता है? पीहू वो मम्मा आपकी आंखें ऐसे क्यों हैं? आप रो रहे थे क्या? जब साजन का ससुराल में पार्वती रोती है तब उसकी आंखें भी ऐसे सेम टू सेम हो जाती हैं। आप रो रहे थे, किसी ने आपको कुछ बोला? मैं उसकी क्लास लेती हूँ। नहीं बेटा वो एक्चुअली मेरे आंखों में कुछ चला गया था ना, तो इसलिए मैं अपना मुंह धो रही थी। मामा झूठ मत बोलो, आप रो रहे थे ना? मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, मैं बहुत मिस किया, इसलिए मामा थोड़ी सेंटी हो गई। एंड प्रॉमिस मी वन थिंग कि हमारा जो प्यार है हमेशा ऐसा ही रहे। प्रॉमिस। ये लो रोमी, तुम्हारा फेवरेट पायसम। मतलब कि रमन बल्ला की बर्बादियां। मुझे बताया मीका ने, रमन बल्ला शगुन से शादी करने जा रहा है और अगर वो ऐसा करता है तो वो तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगा था कि इशिता भाभी वापस उसकी लाइफ में आ जाएगी और शायद रमन बल्ला एक अच्छा इंसान वापस बन जाता है, और अगर वो शगुन से शादी करता है वो तो फिर से वैसे हो जाएगा ना। वो पूरे 7 साल उसे नहीं संभाल पाई तो अब क्या संभालेगी, पूरा ही पागल हो जाएगा वो। पर ठीक है, आई थिंक मेरे लिए अच्छा है क्योंकि अगर इशिता भाभी वापस घर में आ जाती तो रमन भल्ला ठीक हो जाता और उसमें मेरा ही नुकसान है। ठीक है ना, मेरा कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्या बोलते? छोड़ो ना ये सब बातें, आज कितना खुशी का दिन है, तुम पग फेरे के लिए आए हो, इसको लेके जाओगे अपने घर है ना। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। थैंक यू सो मच। अरे ये क्या, तुमने पायसम तो खाया नहीं, मधु ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया था, तुम्हें पसंद है ना, खाओ ना, दो इसको दो। हाँ हाँ। बेटा अपनी पहचान छुपाती रहूंगी कि मैं रूहान नहीं रूही हूं। Thank you.
हेलो रूही, मैं बीवी ना, मैं बच्चा, इधर बैठो, बैठो, बैठो तो सही। डरने की कोई बात हो रही है? हाँ मुझे पता है, तुम्हारा लड़की बनने का बहुत मन करता है। नहीं नहीं मैं, है ना? नेक्स्ट टाइम से नहीं। झुमके पहनने का, बिंदी लगाने का, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप हो तो लड़की ही ना, रूही हो, रूहान थोड़े। इसलिए आज मैं आपको सजाऊंगी सवारूंगी एकदम रूही की तरह। मुझे पता है तुम्हारा लड़की बनने का बहुत मन करता है ना, तो देखो अब हम तुम्हें लड़की बना देंगे। अब नो मोर रूहान, एकदम रूही। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा रमन भल्ला शगुन से शादी कर रहे हैं। Isn't it a good news? इसलिए अब तुम्हें रूहान बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम रूही बन सकती हो, इसे बिंदी लगा के, एकदम प्रिटी, प्रिटी गर्ल। और तुम्हारा मोटो और मेरा मोटो तो एक ही था ना, कि रमन और इशिता कभी साथ में ना हो। और देखो आज वो एक साथ नहीं हो रहे हैं। रमन इज गेटिंग मैरिड टू शगुन। हमारा मकसद पूरा हो गया। और अब क्योंकि इतनी अच्छी गुड न्यूज है तो क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। मैं जल्दी से रूम सर्विस में ऑर्डर करती हूँ तुम्हारा फेवरेट केक। ओके मैं रेडी होके आती हूँ। यू बी रेडी। ये बात सुनकर तो मुझे खुश होना चाहिए था, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? आखिर मैं हमेशा से यही चाहती थी ना कि पापा और इशिता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। वही तो होने जा रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी क्यों नहीं है? आखिर जो मैं चाहती थी वही होने वाला है ना, तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्यों नहीं हूं मैं खुश? क्या पापा शगुन मम्मा के साथ शादी कर रहे हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं दादी? वो इशी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं की हो गया इस मुंडे नु, पागल हो गया। सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं शगुन से शादी कर रहा हूं। लेकिन क्यों? आदि हाय बेटा, कैसे हो? मम्मा आपने ऐसा क्यों किया? आपने पापा के साथ शादी करने के लिए मना क्यों नहीं किया? ने क्यों नहीं कहा कुछ? चुपचाप खड़े होकर आपने पापा का फैसला मान लिया। मम्मा आपको पता है ना कि पापा और ऋषिमा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अभी वो बस एक दूसरे से नाराज हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के बीच का प्यार खत्म हो गया है। सब कुछ जानते हुए भी आप शादी के लिए यहां कैसे? आदि! स्टॉप इट। ये कोई तरीका है मां से बात करने का? इतने दिनों बाद मिले हो, ना कोई हग ना कुछ, और तुम अपने पापा के डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हो? आदि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों की बातों में इंटरफेयर कर सको। पर अगर रमन मुझसे शादी करना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? अगर रमन के दिल में इशिता के लिए अभी प्यार नहीं रहा तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? 7 साल हो चुके हैं, पर रमन बच्चा नहीं है कि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। आई डोंट बिलीव दिस मम्मा, कि ये सब आप कह रहे हो। माँ हूं मैं तुम्हारी, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। और ऋषिमा का क्या मम्मा? उनकी भलाई के बारे में कौन सोचेगा?
बताओ क्या है? So, स्क्रिप्ट कुछ इस तरह है। बस ये ऐड है किसका? पहले हम मिस्टर अभिमन्यु का ऐड शूट कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये मिस्टर रमन भल्ला के ऐड की है। हम दोनों ऐड आज एक ही फ्लोर पर शूट कर रहे हैं। आप एक स्कूल बॉय हो, फुटबॉल मैच जीतने के लिए आपको बेस्ट प्लेयर कप मिला है, तो आप घर आते हो, पेरेंट्स को बताते हो, सेलिब्रेट करते हो, फिर आप एक एनर्जी ड्रिंक पीते हो 24+। उसे पी के आपकी लाइन है, वाह क्या एनर्जी ड्रिंक है, रिफ्रेश कर दिया। तो ये मेरे मॉम डैड कौन बने? ये उनकी फोटो है जो आपके मॉम डैड बने हैं। ओके कूल, तो हम 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे मिस्टर अभिमन्यु के एड शूट के लिए। चाहे जो हो जाए, मुझे पापा को रियलाइज करवाना होगा कि वो शगुन मम्मा से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। पापा और शगुन मम्मा एक दूसरे के लिए है ही नहीं, वो तो बस इशिमा के साथ ही। मुझे उन्हें एहसास दिलाना होगा, और ये तभी होगा जब वो एक दूसरे के सामने आएंगे। लेकिन सीन नंबर 4, एक्सक्यूज मी, वो जो मदर फादर का रोल करने के लिए आर्टिस्ट आए हैं वो कहाँ पर हैं, प्लीज आप बता देंगे? हाँ, वो बैक साइड में है, ब्लैक वैनिटी। थैंक यू सो मच। चलो, आप लोग समझ गए ना? देखिए, मैं आप लोगों को डबल पैसे दूंगा, बस ये आप एड छोड़ के चले जाइए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आपके आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर से बात कर लूंगा, और जो वो पैसे दे रहा है मैं उसके डबल पैसे आपको दूंगा। बस आप प्लीज ये एड छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आप आएगा मत सर, अब मेरा प्लान वर्क करेगा। रेडी, रोल कैमरा, एक्ट। व्हाट नॉनसेंस, ये कैसी अजीब सी स्क्रिप्ट है? ऐसी भी कोई आर्टिक स्क्रिप्ट होती है क्या? आई एम नॉट डूइंग दिस। किसने लिखा है बकवास? रोहन, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई थॉट कि एटलीस्ट एंड तो इंटरेस्टिंग होगा, बट नहीं, आई जस्ट रेड द स्क्रिप्ट एंड इट्स बिलो एवरेज। और मैं ये ऐड करके ना अपनी इमेज नहीं खराब करने वाला। ये स्क्रिप्ट आपने फाइनलाइज किया क्या? लेट मी टेल यू, ये स्क्रिप्ट बहुत ही वाहियात है, लाइक सो बोरिंग, सो आई एम नॉट डूइंग इट। ओके बाय। रोहन, स्क्रिप्ट तो पहले से फाइनलाइज थी, अब शॉट के टाइम। आई डोंट केयर स्क्रिप्ट कब फाइनलाइज हुई, किसने फाइनलाइज की। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं ये ऐड करूं, सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं इस स्क्रिप्ट के साथ ये ऐड तो डेफिनेटली नहीं करने वाला। मैं अपने वैनिटी में जा रहा हूं, जब स्क्रिप्ट चेंज हो जाए तब मुझे बुला लेना, अदरवाइज पैक अप। नहीं, ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है ये? शूट कैसे, कल भी हॉल्ट किया था शूट, आज फिर से हॉल्ट कर रहा है, ये थोड़ी ना। सुनो मणि, मैं जाके इससे बात करती हूं। मणि, ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है ये? देखो, बहुत इन्वेस्ट किया है शूट पे, अगर ये कैंसिल हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट रिवाइज करा के आता हूँ। जल्दी प्लीज। हाँ, श्योर। लड़का ना, इसे दत्ता एक मैरिज हॉल बुक करना। नहीं, नथिंग बिग, छोटा सा भी चलेगा, रमन भाई की शादी है। मैं आपसे मिलकर डेट कंफर्म करता हूँ। और ठीक है, आई विल सी यू। मिहिर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक वक्त था जब तुम ईशु अक्का की तारीफें करते नहीं थकते थे। पहले तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तुम अपनी इशिता भाभी के पास जाते थे। जब सबको लगा कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो सब उनके लिए आंसू बहा रहे थे, परसी मना रहे थे उनकी। और आज जब वो जिंदा है तो सब उन्हें और दुख क्यों दे रहे हैं, स्पेशली रमन जीजू। और मिहिर, तुम उनका साथ दे रहे हो। मैं जानती हूँ मिहिर कि शगुन तुम्हारी बहन है, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र होनी भी चाहिए। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि ईशु अक्का और रमन जीजू एक दूसरे के लिए क्या है? अगर उन्हें शगुन से शादी करनी ही थी तो वो बहुत पहले कर सकते थे ना मिहिर। अब 7 साल बाद क्यों? तुम जाओ, रोको उन्हें, समझाओ उन्हें कुछ। सीरियसली, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? ऑफ कोर्स, रमन भल्ला के आगे वैसे भी तुम कहां कुछ कहते हो। मीका, अगर तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? मीका, तुम बदली हो, मैं नहीं। मैं आज भी वही मिहिर हूँ, और मेरे लिए रमन भल्ला वो मेरा भाई है और मेरा बेस्ट फ्रेंड। मैं उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो जो मुझे कहते हैं मैं वही करता हूँ। यू अंडरस्टैंड? यही तो प्रॉब्लम है कि तुम कभी सवाल ही नहीं करते, किसी की भलाई के लिए भी।
व्हाट? आर्टिस्ट भाग गए? कहाँ? अरे ऐसे कैसे भाग गए? पहले ही देर हो गई है, पहला शूट तो हुआ ही नहीं क्योंकि रूहान ने स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी और अब दूसरे एड के आर्टिस्ट भी भाग गए, अब शूट कैसे करेंगे? मैं जानता हूँ ये कौन कर सकता। एक्सक्यूज मी सर, हाय, आई एम आदित्य भल्ला। इतनी घटिया हरकतों पे उतर आओगी तो मैंने नहीं सोचा था कभी, सीरियसली। What's your problem? अभी क्या हो गया? कल तुम्हारे शूट पे आके मैंने हंगामा किया तो तुमने आज यहाँ के मेरे एक्टर्स भगा दिए। एक्टर्स? मैं एक्टर्स भगाऊंगी? मैं ये सब क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है, पता नहीं बचपन से तुम्हारा वन ट्रैक माइंड है, शातिर दिमाग है, दूसरों का काम कैसे बिगाड़े। मिस्टर भल्ला, यहाँ लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें शूट करना है और इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें ही निकालना होगा। प्रॉब्लम यहाँ है, सलूशन आपके पास है? वैसे आप इस एड में काम क्यों नहीं करते? सर देखो, तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है सबका, आसपास पागल हो गए। आप उनसे बात कीजिए, मुझसे बात मत। हाँ, आप हैंडसम हैं, आपको स्क्रिप्ट भी पता है और आप रूहान के डैडी भी लगते हैं, आप कर लेंगे ना प्लीज? मुझे सब नहीं, सॉरी। मुझे पता है आप कर लेंगे और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दूसरे एक्टर को अरेंज कर सके, आप प्लीज कर लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप यार ये? प्लीज सर, प्लीज रहने दो, चिल्लाने के अलावा इनसे और कुछ हो भी नहीं सकता है। सर प्लीज कर लीजिए, रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा काम बन जाएगा सर। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य दूर करने के लिए हमेशा शुभ काम से पहले नारियल तोड़ना चाहिए, वरना अब शगुन हो ही जाते हैं। ठीक है, काम बिगाड़ने की बहुत कोशिश की लोगों ने, काम मैं बना दूंगा अपना, वो दूसरा कैरेक्टर कौन करेगा? एगो ही आपके नजर में? What are you looking at? मैम आप स्क्रीन पर बहुत अच्छी दिखेंगी, आप कर लीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।